अभी हमारी टीम जा रही है रेस्क्यूज के लिए. बेसिकली रेस्क्यू है या ट्रीटॉक स्ट्रीट होगा वो तो वहाँ पहुँच के पता चलेगा. बछड़ों का केस है और एक मंकी का केस है. सर उन्हें रेस्क्यू नहीं हो सकता. जैसे जो पहला केस है हमारा जिसमें शायद पिछली टांग में दर्द है बहुत ज़्यादा, फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अभी के लिए पेन किलर बोलस हम उसको दे के आ सकते हैं मेलोनेक्स का. आगे की ट्रीटमेंट उसको या तो सरा या कांगड़ा गौशाला या सरकारी अस्पताल, क्योंकि हमारा क्या पूरा फुल अकाउंट है ना. डंडा मारा ना किसी ने, पता नहीं कैसे लोग होते हैं भगवान. और एक जो केस है वो मंकी का है. अब अभी तो कोई तुरंत में फैसिलिटी वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं. जो भी ट्रीटमेंट वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर ले. किसी ने जहर डाला है तो शरीर में अंदर खून टूटना शुरू हो गया था. ब्लड के कलर के हिसाब से खून का कलर ज़्यादा डार्क हो गया है. दैट मीन्स कि जो पॉइजन खिलाया गया है उसके ब्लड में मिक्स हो चुका है काफ़ी ज़्यादा. बंदर जो है वो इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं आते. जब तक खुद से चला फिरा भी नहीं तब भी वो किसी के हाथ में आ सकते हैं. इसका डेथ हो गया. हाँ जी. इस समय मैं पीछे रेजिडेंट काउशेड में आया हूँ. आप लोग हमेशा कहते हैं कि भाई रेजिडेंट से मिलवाइए. ये भोला है हमारा भैंसा. ये राज और दिनेश अभी इनके लिए दोपहर की स्नैक लेके आए. इसमें क्या केले? नहीं, इसमें फीड है. ये किंग है, ये हमारा जेंटल जायंट है. पीछे खड़े हैं नैनो और वूली. ये हमारे दो खतरनाक बैल हैं. ये सबसे पहले से और ये सबसे खराब है. सुंदर और वहाँ पे चाचू लेटा हुआ है. आपको पता है घोड़े खच्चर तभी लेटते हैं जब वो बिल्कुल एक जगह में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, नहीं तो वो खड़े रहना ही प्रेफर करते हैं. ये जो जा रहे हैं ये जा रहा चार्ली, मीमी, बेटी जी. बेटी जी भी अब पीछे घूमती है, ये ज़्यादा खुश है. और संजू बाबा, पता है संजू और चार्ली की अच्छी दोस्ती है. इसके बारे में एक वीडियो भी है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर खच्चर की हर बकरे से दोस्ती होगी. अब जैसे भाई साहब आए हैं, हमारा काला बकरा है वो अंदर अभी क्लिनिक में ही बंदा है, इनकी दोस्ती नहीं है. हम भूल जाते हैं कि जानवरों में भी पर्सनैलिटीज होती हैं, इनमें भी एक वेराइटी रहती है. खैर अश्मी को अभी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, इसको माँ से सेपरेट किया है ताकि ये थोड़ा यूज टू हो जाए. इसकी मदर को तो हमें रिलीज करना पड़ेगा. अश्मी का अभी तक स्टीम देने के बावजूद, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स देने के बावजूद अश्मी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है. आई डोंट नो, क्योंकि ये एक क्लिनिक में रह रहा था तो थोड़ा इसकी रिकवरी में टाइम लग रहा है. खैर देखते हैं, आपको पोस्टेड रखेंगे. अभी हम बिल्लू को क्लिनिक में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉमिट कर रही है और उसने खाना भी बंद कर दिया है. प्लस उसको डायरिया भी हो रहा है, थोड़ा ब्लड भी नज़र आया है. तो मैं अभी बच्चों से अलग करने के लिए उसको ओटी में शिफ्ट करने वाली हूँ. बच्चों को भी हम सेपरेटली कहीं और रखेंगे क्योंकि अब जो मेरा घर है उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है. गौरव रस्सी डालो गले में. कैट है, आई होप वो खाना खाने मेरे घर आएगी तो मैं उसे वापस अंदर ले लूँगी. बोरी बोरी. अभी रविंदर जी, साहिल, गौरव सब नूरपुर की तरफ एक केस लेके आने गए हैं. जो टीवीटी वाले केस कुठेड़ से लेके आए थे, वो डॉग बहुत स्ट्रेस में है, पैनिक कर रही है. लेकिन मैं उसको इस सिचुएशन में छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसका स्प्रे करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. वो रहती है मेन चौक में, वो उसके बच्चे भी वहीं रहते हैं. वहाँ से लेके आते हैं बच्चों को. यहाँ वो शायद अपने बच्चों के साथ रहेगी तो शांत रहे और मैं उसको यहाँ पे थोड़े दिन और रख पाऊँ. तो एक लास्ट ट्राई हम लोग ये भी कर लेते हैं, लेकिन आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. एक बच्चा तो है ना यहाँ, एक तो है पर दूसरा नहीं है, पता नहीं कहाँ. अरे तो आंटी बता रहे हैं कि छोटे बच्चे की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रह रही थी. अभी वो कल से तो उनको दिखा नहीं है, लेकिन जो दूसरा उसका बच्चा है वो यहीं कहीं होगा आसपास. तो एक बार ढूंढ लेते हैं अच्छे से. ये वही है जिसको हमने पहले रेस्क्यू किया था. पहुंच गए अपन मम्मी के पास. हम ले तो आए हैं पपी को कुठेड़ से इसकी मदर के लिए. आई होप अभी ये हम दिन भर ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये इसके साथ रहने से स्ट्रेस में थोड़ा कम रहे तो देखते हैं. हाय गुड गर्ल, कौन आया, कौन आया? कायनात जो हमारे पास स्किन इन्फेक्शन की वजह से आई थी, इसको मिक्स्ड इन्फेक्शन था और बहुत टाइम इसका ट्रीटमेंट चला है एंड फाइनली इसका हेयर ग्रोथ हो गया, अभी अच्छा खासा दिख रहा है. टोपी जिसको हमने उसकी आई इंजरी के लिए रेस्क्यू किया था, उसका सर्जरी जो था वो काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली हो गई थी. उसका जो सूचर था वो हमने 15 दिन बाद ओपन भी कर दिया. उसका जो पैर का छोटा सा घाव था वो रह गया था, लेकिन ये रात भर बहुत ज़्यादा हाउलिंग करता था. और जो उसके केयर टेकर थे उन्होंने बोला कि वो जो आगे की ट्रीटमेंट है जो कि पैर में ऑइंटमेंट लगाना है वो बिल्कुल वहाँ पर कर सकते हैं.
कंटिन्यू, तो उस वजह से हमने उनसे बात करके टोपी को वहीं पे रिलीज कर दिया। और जो दूसरा पपी आप लोग लेके आए हो सर, वो इतना ज़्यादा उसका इंजरी सीवियर था ना, उसको डॉग बाइट का इशू था, 3 दिन से वो पपी वहाँ था। जब हमें इन्फॉर्म किया, हम खुद गए लेकर आए, लेकिन उसका कंडीशन बचने लगा। सेप्सिस लाइक फैल चुका था, इन्फेक्शन फैल चुका था, काफ़ी पस का स्मेल इतना ज़्यादा था उसका। अब उसके कॉलर ने हमको ये बोला कि वो पपी कैसे मर गया, जबकि वो 4 दिन से पेन में जिंदा रह रहा था, आपके पास आने के बाद कैसे मर गया। तब मैंने उसको समझाने की कोशिश की और फिर मैंने आपसे बात कराई थी कि भाई उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी ऑलरेडी, और जब हम उसको उसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया हमने फर्स्ट, और उसको शायद हमने एंटी रेबीज भी लगाया होगा। उनको मैंने मेनली 2 चीज़ बताई, पहला कि इसका सेप्सिस जो होती है गले के आसपास बहुत पस होती थी, और ये जो रीजन है नियर टू द ब्रेन है, कुछ भी यहाँ पे होता है तो ब्रेन इन्फेक्शन और वो, एक तो उसकी एज भी छोटी, ऐसे कि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहा, तो 2 मेन फैक्टर थे, एक तो सेप्सिस का और एक थर्मोरेगुलेशन का। मैं अष्टमी को रिलीज करने के फेवर में नहीं। जो पहले इसका कंजेशन का इशू इतना ज़्यादा था वो अभी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत डायरिया जो कि ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कभी धूप निकलती है अचानक से। अभी हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी माँ इसके साथ है जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी है, और जो थोड़ा बहुत कंडीशन होता है वो मेरे ख्याल से बाहर मैनेजेबल ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हम रखते हैं तो इसका इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड है, हाँ जी। है ना, और क्योंकि हम अस्पताल हैं तो यहाँ पे इसके रिकवरी के चांसेस नहीं है। मुझे ये पता है कि अगर हम इसको बाहर छोड़ देंगे तो ये बाहर भी मरेगा, बस ये है कि हमारी आँखों से ओझल मरेगा, तो हमारा जो स्टाफ है ये डीमोरलाइज नहीं होगा। बेसिकली हमें चाहिए कोई जो अष्टमी को अडॉप्ट कर ले, इसकी जो माँ है मुझे लगता है कि मतलब हाँ वो रिलीज होगी, वो बच्चे के बिना दुखी होगी, पर अब जब गाय का इस्तेमाल डेयरी के लिए होता है तो वो तो है, आई मीन वो तो हर गाय के साथ हो ही रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो बच्चा है हम उसको छोड़ के गलत करेंगे, आई डोंट नो, हम अभी भी तो फिर हम तो फिर माँ को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना सर, उसको ऑलरेडी उसका वुंड ठीक हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मैं सिर्फ इन दोनों की वजह से इसको नहीं छोड़ पा रही थी, है ना। ठीक है, देखते हमारे जो 2 बच्चे हैं चिंदी और मटर, उन्हें अडॉप्ट करने के लिए अनुराग जी आए हैं चंडीगढ़ से। वो एक्चुअली आए थे सिर्फ चिंदी को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब वो चिंदी और मटर को दोनों से मिले तो उन्होंने मन बना लिया कि वो दोनों को अडॉप्ट कर लेंगे। डॉक्टर सुरभि और डॉक्टर रवि इस पपी को अभी फिलहाल लेके आए हैं, और ये टांडा से है। आपको ये एग्जैक्टली मिला था कैसे? देवर 2 बॉयज ऑन अ स्कूटी, एंड जो पीछे वाला था उसने इसे पकड़ा हुआ था, रैंडमली उन्होंने स्टॉप की अपनी स्कूटी, इसे नीचे रखा एंड वो चले गए, फिर वी पिक्ड हिम अप। हम यूजुअली हेल्दी पपीज या डॉग्स को लेते नहीं है, लेकिन ये रिलोकेटेड था तो उसका, अगर हम उसको ले नहीं आते तो उसका एक्सीडेंट या डॉग बाइट से कुछ ना कुछ केस तो होना ही था। छोटा है, अडॉप्शन भी इजीली हो सकता है, वो तो मेरी खराब लगी। मेल डॉग है, बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि रिलोकेट करना डॉग्स को इलीगल है, एंड वो उनके जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सो पता नहीं लोग क्यों ही करते हैं ऐसी चीज़ें। हमको रिलीज़ करना है कुठेड़ वाली फीमेल डॉग, जिसको मैंने अभी अंदर कर रखा है, क्योंकि वो जो जाली है ना उसको बार बार काटती है सर, उसने काफ़ी जगह अपने फेस पे भी इंजरी कर ली है। उसको रिलीज कैसे करेंगे? आप कह रहे हो फेस पे इंजरी, छोटी छोटी है वो कट्स, हम लोग उसको ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, वो अपने आप हो जाएगा, वैसा उतना बड़ा इंजरी नहीं है। ऐसे तो दिन भर शांत रह रही है, अभी उतना रोने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है वो अंदर के गेट की भी जाली को काटने लगती है और बाहर के गेट की भी जाली को काटती है। वो यहाँ पे भी यही कर रही थी। ये वो फीमेल है, इसको वजाइनल ट्यूमर है ना जी, इसको वजाइनल ट्यूमर है, तो इन केसेस में क्या होता है, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ हफ्ते में 1 इंजेक्शन होता है, पर ये बाकी टाइम परेशान रहते हैं। तो ये अपना जाली वाली काट रही थी, ज्योति को आइडिया आया कि इसके बच्चे को ले आते हैं और शायद वो शांत हो जाए, पर मेरे ख्याल से तो बच्चे को भी पड़ रही है ना माँ से। रोना जो उसका मेजर इशू था वो कम हो गया है, लेकिन बच्चे को भी दिन भर में 3-4 बार वो अटैक कर ही देती है, मतलब गुस्सा आ ही जाता है उसको। अगर आप ध्यान देना तो कभी भी जो ये डॉग फीमेल्स होती हैं और ये जो बच्चा होता है उसको हमेशा फीमेल को स्पेस चाहिए होती है कि बच्चे से वो दूर जा सके, वो 24 घंटे उसके साथ बंद नहीं रह सकती। इसका जो ट्यूमर था ना वो काफ़ी अभी इनिशियल स्टेज पे था, 2 डोज ऑलरेडी इसके हो चुके हैं, जो एक लास्ट डोज है वो हम वहाँ पे कर देंगे उसका। अनफॉर्चुनेटली हम उसकी स्पेस सर्जरी नहीं कर पाए क्योंकि वो कैनल में नहीं रह पा रही थी। अगर कोई हमें ऐसा पर्सन मिलेगा जो उसे फॉस्टर कर ले अपने घर में बाद में, तो हम उसका स्पेस सर्जरी ज़रूर करेंगे। ये कहाँ लेके जा रहे हैं यार? ये कल इसको लेके आएगा इसको रिकेट से, पर ये रोए जा रहा है, आई डोंट नो, हम इसको शायद रख भी ना पाए, हम उनको कहेंगे कि वही ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये लोगों के साथ था पहले, क्योंकि किसी के भी साथ आता है चुप हो जाता है, और डॉग्स के साथ नहीं हो रहा है ये चुप, लेकिन
तो हम इसको D3 का एक तो इंजेक्शन देंगे और फिर उन्हें कहेंगे कि भाई आप इसका ध्यान रखो और ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे। कश्मीरा जिसका जॉ ब्रोकन था उसकी सर्जरी पहले से हो रखी थी? हाँ जी सर, जो उसका जो उन्ना सर उसे लेकर आए थे वो लोग उसकी सर्जरी वगैरह करा चुके थे, लेकिन उन्हें अपने जॉब और जो भी सिचुएशन थी उसकी वजह से जाना था तब वो हमारे पास छोड़ के गए। तो उसका एंटीबायोटिक कोर्स वगैरह सब कुछ डन था पहले। हम यहाँ पर जब लाए तो हम उसका बस माउथ वॉश कर रहे थे, लेकिन उसने अपना फिर जॉ कैनल में वो करके तोड़ लिया था वापस से। तो हम उसको रीवायर नहीं सर कुछ नहीं कर सकते, उसका पूरा जॉ बुरी तरीके से टूट गया है। तो अभी ये है हम कोशिश करेंगे कि फीड करें पाइप से, लेकिन चांसेस उसके ना के बराबर है। इंट्यूबेट करके हम फीड कर सकते हैं, बस वही है पेन मैनेजमेंट वाला है हिसाब। इस समय हमारे को बहुत इधर उधर करना पड़ा है क्योंकि बहुत सारे डॉग्स हो रखे हैं और हल्ला मचाते हैं। इनको मैंने पकड़ा भी इसलिए हुआ है, इन्हें अभी छोड़ते हैं नीचे तो ये कैं करते हैं और फिर हम शूट नहीं कर सकते। इसका नाम बाय द वे हमने पिंकी रखा है। स्कूटर का कब तक रिलीज हो जाएगा? 2-4 दिन और है, उसका सूचर तो हील हो जाएगा, लेकिन जब तक ये पपी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस फ्री नहीं हो जाता, रिलैक्स नहीं हो जाता, तब तक मुझे स्कूटर को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना हल्ला करता है स्कूटर के बिना, मतलब ये अकेले नहीं रह पाता ना। तो अब हम लोग हर वक्त तो इसको साथ में लेके नहीं घूम सकते क्योंकि काम अटकते हैं, लेकिन स्कूटर हमारा जो कि मदर का काम करती है मोस्टली डॉग्स के लिए, तो वो उसका केयर टेकिंग अच्छे से कर लेती है। वो कैनल में भी रात में उसके साथ रहता है तभी शांत रहता है। तो स्कूटर ने अभी तक कितने पप्स पाल दिए हमारे? 5-6। बारिश ऑटो रहे पहले इसके पास, उसके बाद पोहा मटर चिंदी जिनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी ना, लेकिन इसके साथ उसको हम लोग और रखते थे तब वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखा हम लोगों को हेल्थ में, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है ना तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बेहतर होता है। और इसीलिए अभी जब बारिश यहाँ थी और स्कूटर पिंकी के साथ यहाँ पे थी तो ये बारिश का कॉन्स्टेंटली रोना चालू था। इसको करो डिपॉजिट। थैंक यू, ये लो आपका टॉय आ गया वापस। और इसके लिए हमें कॉल आया था द्रमन से और वहाँ उनको ये मार्केट एरिया में भीगता हुआ नजर आया था। इसका 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसको पैर में पट्टी लगी हुई है और चलते हुए लग रहा है कि हाँ इसको पेन है काफी ज्यादा। अभी हम डायग्नोस्ट कर रहे हैं, ओपन वुंड भी नजर आ रहे हैं सामने, जिसके लिए पेन किलर और एंटीबायोटिक आज से शुरू हो जाएगा। इसके चेस्ट वाले एरिया में ना कुछ अबनॉर्मल है, हो सकता है लास्ट रिब टूटी हो, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है, वो एक्सरे के बाद ही लगेगी पता। मैंने रिसेंटली ये डॉग्स को यहाँ पे फीड करने के लिए बिस्किट्स बनाए हैं और ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बने हैं, और ये जो बिस्किट्स हैं इसको बनाने के लिए आपको अवन की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, बहुत जल्दी हम अपने यूट्यूब चैनल पर और बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करेंगे। आज हम बारिश और जो नया पपी एक्सीडेंट वाला आया था उसको लेके पालमपुर जा रहे हैं। बारिश का जो पिन रिमूविंग सर्जरी काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, कोविड की वजह से पालमपुर हॉस्पिटल में सर्जरी वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, जो अब जाके पॉसिबल हुआ है, इसलिए हम उसको आज भेज रहे हैं। और जो एक्सीडेंट वाला पपी आया था उसका रिब्स में शायद फ्रैक्चर का इशू हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत स्वेलिंग है और वो हिस्से में दर्द भी बहुत है, इसलिए हम प्रॉपर चेकअप के लिए उसको पालमपुर भेज रहे हैं। जैम जो हमारा मेल किटन है उसका हम रेगुलर चेकअप करने गए थे आज, तब हमें उसके बॉडी में एक छोटा सा छेद नज़र आया चेस्ट वाले एरिया में, जिसमें थोड़ी सी पस भी बनी हुई थी। हमने उसका क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है, फ्लाइंग ऑइंटमेंट उसको प्रॉपरली लगने हैं रेगुलर, पहले से उसका पेन भी काफ़ी कम हुआ है। तो इस पपी को लेकर कल रात में अराउंड 9:30 कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिनके सामने एक्सीडेंट हुआ, कोई गाड़ी इसको बहुत बुरी तरीके से टक्कर मार के गई थी और उसका हेड इंजरी हुआ है, ट्रॉमाटाइज्ड है। कल रात को तो हमने इसको जो भी पेन किलर्स रिक्वायर्ड थे वो दे दिए थे, और मेरे को इसकी गड़बड़ लग रही है, इसको इन्फेक्शन है ना शायद पार्वो। रैत हमारा बहुत नज़दीकी एरिया है, हम इस पर वहीं पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ रखने से प्रॉब्लम ये हो सकती है ना कि जो मेरे बाकी पपीज हैं उनको इन्फेक्शन होने का डर रहेगा इससे। ये इसकी कंडीशन अभी उतनी ख़राब नहीं है, मैनेजेबल है, तो हम वहीं से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। बारिश क्या हमने कल पिन रिमूविंग के लिए इसको भेजा था पालमपुर, वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इसके पिन एकदम प्रॉपरली सेट है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको आगे भी जाके कोई हार्म नहीं करेगी और चलने फिरने में भी इसको कोई तकलीफ नहीं है, तो वो वैसे ही सेट रहेगी और अभी अडॉप्शन में है। ये जनरेटर हमें कुछ साल पहले राजीव भैया ने दिया था, पर चक्कर ये एक तो ये बड़ा शोर करता था और दूसरा फिर ये सेल्फ स्टार्ट वगैरह नहीं था, तो हमारे को बीच बीच में प्रॉब्लम होती थी। पिछली बार जो हमारे को प्रॉब्लम हुई थी जब हम सर्जरी नहीं कर पाए थे वो इसलिए हुआ था, वो तो हमारी वायरिंग चल गई थी, जनरेटर हमारे पास था। तो अब हमने इसको पंजाब भेजा, राजीव भैया ने हेल्प करी है, उन्होंने इस पर कैनोपी लगवाई है, तो इससे साइलेंट हो जाएगा और इसमें सेल्फ स्टार्ट सिस्टम लगा है। पहले तो क्रेन आई है, ये वहाँ पे गया है पीछे, अब इलेक्ट्रीशियन आएंगे, यहाँ पे सब कुछ करने में थोड़ा तो चैलेंज है, शहर नहीं है ना।
जो धर्मशाला से बछड़ा आया था हमारे पास, उसको शाहपुर लेके जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर ने वहाँ पे बोला था कि हम उसको टेम्परेरी स्प्लिंट पे रख सकते हैं जब तक बारिश हो रही है, और जैसे ही धूप वाला मौसम होगा तब हम इसको वहाँ ले जाएंगे और इसका प्लास्टर करवाएंगे। कुछ दिन से बारिश हो रही थी लगातार, उसके बाद हिमाचल डे और 26 जनवरी की छुट्टी थी, इस वजह से हम इसको लेके नहीं गए थे वहाँ पे, और आज वहाँ पे हमको अपॉइंटमेंट मिली है। हम इसे अभी लेकर जा रहे हैं, वहाँ इसका प्लास्टर होगा और उसके बाद इसको हम अराउंड 45 डेज एटलीस्ट इसको रखना होगा प्लास्टर में, और उसके बाद इसकी बोन की हीलिंग एक्सरे के बाद ही हमें पता चलेगी। पिछले हफ्ते जिस डॉग को हमने चंबी से स्पेस सर्जरी के लिए यहाँ पर शिफ्ट किया था, सर्जरी तो उसकी सक्सेसफुल रही, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो डॉग अकेले बिल्कुल भी रह नहीं पाती है, बहुत स्ट्रेस में आ जाती है और कंटिन्यूस हाउलिंग करती रहती है। इस वजह से रात में उसको कैनल में रखना इम्पॉसिबल हो रहा था। इस वजह से मनप्रीत, जो भी हमारे साथ वर्क एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसे फॉस्टर करेंगे, और अब रेगुलरली वो उसको अपने साथ शाम को घर लेकर जाते हैं और वहाँ पे उसको अपने साथ रखते हैं, और वो शांत भी है काफ़ी, सूचर भी अच्छे से हील हो रहा है, और अभी बस कुछ ही दिन में उसे हम रिलीज कर पाएंगे। YouTube पे हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसका क्रेडिट हमारी टीम को तो जाता ही है जो कहानियां बनाती है, इसका क्रेडिट आपको भी जाता है जो लोग हमारी कहानियां अंत तक देखते हैं और फिर उनको शेयर करते हैं। सो पार्टी, थैंक यू सो मच।